हेलो आवरीवन, वेलकम टू पंजाब आई क्यू। पंजाब आई क्यू दी इस स्पेशल वीडियो दे विच अज आपां एक नवी सीरीज़ स्टार्ट करन जा रहे हैं P++B फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम दे लई। यह है सीरीज़ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़। यह इस सीरीज़ का सैट नंबर 1 रहेगा, जिस दे विच आपां 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करांगे डिटेल दे विच। इन्हां 20 क्वेश्चंस दे विच तुहानूं पहले 10 क्वेश्चन जीके तो देखने को मिलेंगे, अगले 6 क्वेश्चन तो मैथ तो देखने को मिलेंगे और अगले 4 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे पंजाबी ग्रामर तो। टोटल हो गए 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन के अगर तुहाडे 16 या फिर 17 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो तुसी अपनी जिहड़ी तैयारी है उसनों वधिया मान सकते हो, अदरवाइज तुहानूं जिहड़ी अपनी तैयारी है उसनों बूस्ट करना पवेगा। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की जिहड़ी एग्जाम डेट है वह P++B ने आउट करती सी। यह जो एग्जाम है तुहाडा हुण यह कंडक्ट होएगा 13 नवंबर 2022 को। ठीक है, अज तरीक है 21 अक्टूबर 2022, यानी अपने कोल अप्रोक्सीमेटली 20 डेज़ बचते हैं इस पेपर नूं क्लीयर करन दे लई। ठीक है, यह जो सीरीज़ है फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़, यह 20 डेज़ दे लई नॉन स्टॉप सीरीज़ रहेगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपां प्रैक्टिस कवर करांगे इस सीरीज़ दे विच। ठीक है, यह है सैट नंबर 1 जो कि मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करदे हां बिना कोई टाइम वेस्ट कीते। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है, इन अप्रैल 2022 द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज्ड अ 5-डे कल्चरल फेयर नेम्ड माधवपुर मेला टू सैलीब्रेट द सैक्रड यूनियन ऑफ विच डाइटीज़। यानी आपां नूं इस क्वेश्चन दे विच पूछा गया है, जो गुजरात की सरकार है इन्हां दे द्वारा अप्रैल 2022 दे विच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दे नाल मिलके 5 दिनां दे लई एक मेला ऑर्गेनाइज करवाया सी। ठीक है, जिसका नाम की है माधवपुर मेला। ठीक है, आपां पूछा गया है इस दे विच किस देवी देवता की पूजा की जाती है, यह पूछा गया आपां इस क्वेश्चन दे विच। ठीक है, ऑप्शन तुसी देख सकते हो, कृष्णा एंड रुक्मिनी, शिवा एंड पार्वती, विष्णु एंड लक्ष्मी, ते ब्रह्मा एंड सरस्वती। जो माधवपुर मेला है, काफ़ी बारी तो आपां एग्जाम दे विच यही पूछ लेंदे ने, जो माधवपुर मेला है यह किस स्टेट दे विच लगता है, तो आपां ने याद रखना यह जो मेला है यह लगता है गुजरात दे विच। ठीक है, इस दे विच बेसिकली आपां नूं पुछा गया है सैक्रड यूनियन ऑफ विच डाइटीज़, यानी इस दे विच जो सैक्रड यूनियन ऑफ किहड़े डाइटीज़ ने जिन्हां दी सैलीब्रेशन दे लई माधवपुर मेला जिहड़ा है वह सैलीब्रेट किया जाता है, यह आपां नूं क्वेश्चन दे विच पुछा गया है। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा कृष्णा एंड रुक्मिनी। इसका आंसर बनेगा अपना फस्ट ऑप्शन ए ऑप्शन, कृष्णा एंड रुक्मिनी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, सैकेंड नंबर क्वेश्चन, इन मार्च 2022 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अलोंग विद NPCI नैशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी जो RBI है, ठीक है, यह जो RBI है इस दे द्वारा NPCI दे नाल मिलके नैशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया दे नाल मिलके मार्च 2022 दे विच इन्हां दे द्वारा एक 24 हर इन्फॉर्मेशन होटलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी 24 घंटे इन्फॉर्मेशन जिहड़ी वह दिती जाऊगी इस दे विच डिजिटल पेमेंट की गुड्स एंड सर्विस के केस दे विच। आपां नूं पुछा गया है इस सर्विस का नाम की है, यानी यह जो सर्विस है RBI ने लॉन्च की है किहदे नाल मिलके, यह मिलके लॉन्च की गई है NPCI दे नाल मिलके। आपां नूं इस सर्विस का नाम पूछा गया, ऑप्शन तुसीं देख सकते हो, डिजी कैश, उस तो बाद डिजी क्विक, डिजी साथी या फिर डिजी मित्र। इस सर्विस का नाम की है, इसका नाम है डिजी साथी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा सी ऑप्शन, डीजी साथी। आपको यह भी पूछा जा सकता है इसे लॉन्च किसने किया है, तो आपने भी याद रखना है इसे लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा NPCI के मिलकर नैशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के मिलकर। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, डीजी साथी। विच कॉन्टेंट क्रिएटर बिकेम इंडियाज फर्स्ट यूनाइटेड नेशनस डिवेलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन इन जनवरी 2022। यानी आपां नूं पुछा गया है इंडिया दे किहड़े कंटेंट क्रिएटर ने, ठीक है, जिन्हां नूं यूथ क्लाइमेट चैंपियन जिहड़ा है वह चुनिया गया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशनस डिवेलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। जनवरी 2022 की खबर है यह। ठीक है, आपां नूं इन्हां दा नाम पूछा गया, ऑप्शन तुसीं देख सकते हो A, B, C and D, जिस दे विच आपां नूं ऑप्शन दित्ते गए हैं प्रजक्ता कोहली, भुवन वाम, कुशा कपिला, जाफर आशीष चंचलानी। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वह बनेगा प्रजक्ता कोहली। जो प्रजक्ता कोहली है यह एक कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, और इन्हों चुनिया गया है यूथ क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड के लिए यूनाइटेड नेशन डिवेलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जनवरी 2022 के। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन, प्रजक्ता कोहली।
इस तो अलावा अपने भी याद रखना है इन्हों के द्वारा जो चैनल चलाया जाता उसका नाम की, उसका नाम है यानी चैनल का नाम की, यह भी पूछा जा सकता है। तो आपने भी याद रखना है जो प्रजक्ता कोहली का चैनल है उसका नाम है मोस्टली सेन, मोस्टली सेन इन्हों का चैनल का नाम है। ठीक है, यूट्यूब के उपर तुम सर्च भी करके देख सकते हो, उसका आंसर बनेगा अपना प्रजक्ता कोहली। वट इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2021 बाय कोरिया स्पेस लॉन्च व्हीकल 2। इट्स द फर्स्ट डोमेस्टिकली डिवेल्प्ड स्पेस रॉकेट, यानी आपां पूछा गया है उस रॉकेट का नाम पूछा गया है जो अक्टूबर 2021 के विच लॉन्च किया गया सी कोरिया के द्वारा, यानी कोरिया जो साउथ कोरिया इतने, ठीक है, साउथ कोरिया की गल है इतने, जो कोरिया वर्ड यूज़ करते हैं आप साउथ कोरिया के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये साउथ कोरिया की जी स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा जोड़ा है लॉन्च किया गया सी कोरिया स्पेस लॉन्च व्हीकल 2। यह पहला डोमेस्टिकली डिवेल्प्ड स्पेस रॉकेट सी। आपां नूं इसका नाम पूछा गया, इस रॉकेट का नाम की है, नूरी है, जुगनू है, प्रथम है या फिर मीर है। इसका नाम है नूरी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा ए ऑप्शन, नूरी रॉकेट। अ बरीड वाटर टाइट टैंक डेजिग्नेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड टू रिसीव एंड पार्शली ट्रीट रॉ डोमेस्टिक सैनिटरी वेस्ट वाटर इज कॉल्ड डैश, यानी आपां पूछा गया है अ बरीड वाटर टाइट टैंक, यानी उन्होंने टैंक का नाम पूछा गया है वाटर टाइट टैंक जो कि डेजिग्नेट करता है और कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, कादे लिए जो रो डोमेस्टिकली सैनिटरी वाटर वेस्ट वाटर है उसके लिए जोड़ा है इसनों जोड़ा है डेजिग्नेट किया गया है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। आपां नूं उसका नाम पूछा गया है इसनों की कहा जाता है, रोटन टैंक, सैप्टिक टैंक, या फिर प्योट्रीफाइंग टैंक, या फिर डिकेइंग टैंक। इसनों नाम दिता जाता है सैप्टिक टैंक। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा बी ऑप्शन, सैप्टिक टैंक। ऑन 13 अप्रैल 1919 विच ऑफ द फॉलोइंग इंसीडेंट्स टुक प्लेस इन इंडिया, यानी 13 अप्रैल 1919 केड़ी घटना हुई सी इंडिया दे विच, केड़ा इंसीडेंट होया सी इंडिया दे विच, ककोरी कंस्पायरेसी केस, जलियांवाला बाग मैसेकर, चौरा चौरी इंसीडेंट, या फिर कौमा घाटा मारू इंसीडेंट। 13 अप्रैल 1919 जिहड़ी घटना वापरी सी उसका नाम की है, जलियांवाला बाग मैसेकर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वह है बी ऑप्शन, जलियांवाला बाग मैसेकर। इस दे विच एक व्यक्ति सी माइकल ओडायर, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर जो ने इन्हों के द्वारा हुक्म दिता गया सी गोलियां चलाने का, जो मॉब है, ठीक है, मॉब वर्ड यूज़ करते हैं अपन, यानी जो भड़के हुए लोग ने। ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल, सत्यपाल यानी दो पंजाब के परसन सी, एक डॉक्टर सत्यपाल सी ते एक सी सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अरैसट कर लिया गया सी। ठीक है, इन्हों रिलीज़ करवाने के लिए इन्हों ब्रिटिश जो गवर्नमेंट का एक एक्ट सी, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो इंडियन से यही इकट्ठे हुए सी जलियांवाला बाग मैसेकर दे विच, यानी जलियांवाला बाग दे विच, ठीक है, जो कि अमृतसर दे विच है। ठीक है, उस समय उन्होंने उपर माइकल ओ डायर है जिहड़ा इसके द्वारा हुक्म दिता गया सी गोलियां चलाने का। ठीक है, इस आंसर बन जाएगा अपना जलियांवाला बाग मैसेकर बी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो, विच इंडियन मोनूमेंट इज़ पॉपूलरली नोन एज द आर्क डी ट्रियोंफ ऑफ द ईस्ट, यानी आपां नूं पुछा गया है किहड़ा मोनूमेंट है जिसनों पॉपूलरली कहा जाता है, यानी किहड़ा मोनूमेंट है जिसनों कहा जाता है द आर्क डी ट्रियोंफ ऑफ द ईस्ट, किस मोनूमेंट नूं कहा जाता है। ऑप्शन तो तुसीं देख सकते हो, चार मीनार, मैसोर पैलेस, खजुराहो, या फिर गोलकोंडा फोर्ट। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा ए ऑप्शन, चार मीनार। चार मीनार कितने है? हैदराबाद दे विच है। ठीक है, और आपां नूं यही पुछा गया है किसनों कहा जाता है द आर्क डी, द आर्क डी ट्रियोंफ ऑफ द ईस्ट, यह क्या जाता है चार मीनार नो। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपने ऑप्शन, चार मीनार। द मलयालम लैंग्वेज इज लार्जली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, यानी जो मलयाली लैंग्वेज है, मलयालम भाषा, ठीक है, अपन पूछा गया है इंडिया की कौन स्टेट है जिसके सब तो ज़्यादा बोली जाती है मलयालम लैंग्वेज, कौन स्टेट के केरला के तमिलनाडु के कर्नाटक के या फिर गोवा के। मलयालम जो लैंग्वेज है सब तो ज़्यादा जो बोली जाती है किस स्टेट के बोली जाती है? यह बोली जाती है केरला के। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन, केरला। ठीक है, ये आपने याद रखना है, आपको काफ़ी बार ये भी पूछते हैं एग्जाम के सब तो ज़्यादा इंडिया के कौन लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपने याद रखना है अगर आप इंडिया के परसपैक्टिव देखिए तो सब तो ज़्यादा जी इंडिया के टॉप स्पीकिंग लैंग्वेज है कि है टॉप स्पोकन लैंग्वेज उसका नाम है हिंदी। ठीक है, सब तो ज़्यादा जी लैंग्वेज इंडिया के बोली जाती है वो कि है हिंदी है। तो दूजे नंबर पर अगर पूछा जाए सब तो ज़्यादा जी लैंग्वेज इंडिया के बोली जाती है वो कि है उसका नाम की है, उसका नाम है बेंगोली, जी बेंगोली लैंग्वेज है दूजे नंबर से सब तो ज़्यादा इंडिया के बोली जाती है भाषा। ठीक है, आपां नूं मोस्ट प्रोबेबली सैकेंड पूछी जाती है, पहली सबनों पता होंगे
इस करके दूजी पूछी जाती है। तो आपने याद रखना है बंगाली दूजे नंबर पर सब तो ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है इंडिया के। ठीक है, अगर आप पूरे विश्व की गल करिए, पूरे वर्ल्ड के सब तो ज़्यादा लैंग्वेज कि बोली जाती है, सब तो ज़्यादा बोली जाती है इंग्लिश। सब तो ज़्यादा जी भाषा बोली जाती है वो कि है इंग्लिश। दूजे नंबर पर सब तो ज़्यादा जी भाषा बोली जाती है वह मंडारिन, जो कि चाइनीज़ की भाषा है मंडारिन। ठीक है, चाइना वगैरह के बोली जाती है मंडारिन लैंग्वेज। तीजे नंबर पर सब तो ज़्यादा जी भाषा बोली जाती है वह कि है, वह हिंदी। ठीक है, यानी इंडिया की जी भाषा है हिंदी, यह तीजे नंबर पर सब तो ज़्यादा जोड़ा है पूरे विश्व के बोली जाती है। पहले नंबर पर इंग्लिश है, दूजे नंबर पर मंडारिन है, तीजे नंबर पर हिंदी है। ठीक है, ये भी आपने याद रखने ने इंडिया के परसपैक्टिव भी और वर्ल्ड के परसपैक्टिव भी। कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, आंसर बनेगा ए ऑप्शन केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस ड्राइव्स इट्स रूट्स फ्रॉम तमिलनाडु, यानी आपां नूं पूछा गया है केड़ा डांस है जो कि ड्राइव होया कितों तमिलनाडु तो। कुचीपुड़ी, बुटाकाटा, भरतनाट्यम या फिर मोहिनीअट्टम। इन्हां दे विच जो अपना सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है यह ओरिजिनेट होया सी तमिलनाडु दे विच, तमिलनाडु दे विच ही परफॉर्म किया जाता है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना भरतनाट्यम। ठीक है, और अगर आप गल करिए कुचीपुड़ी, कुचीपुड़ी जो डांस है कितने परफॉर्म किया जाता है, यह आंध्र प्रदेश के परफॉर्म किया जाता है सब तो ज़्यादा आंध्र प्रदेश के। ठीक है, एक मोहिनीअट्टम दिता आपको, मोहिनीअट्टम जोड़ा है सब तो ज़्यादा जोड़ा परफॉर्म किया जाता है वो कितने किया जाता है, केरला के। केरला के सब तो ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है किहड़ा डांस, मोहिनीअट्टम क्लासीकल डांस। ठीक है, और जोड़ा आपको बी ऑप्शन दिता है बुट्टा कटा। बुट्टा कटा जो है यह एक डांस नहीं है, एक सोंग है। ठीक है, यह एक सोंग की फॉर्म है बुट्टा कटा। यह सोंग है जोड़ा कितने परफॉर्म किया जाता सब तो ज़्यादा, यह जो सोंग है यह परफॉर्म किया जाता है केरला के। केरला के सोंग है जोड़ा परफॉर्म किया जाता है, यानी यह गाया जाता है सोंग कितने बुट्टा कितने केरला के। ठीक है, बाकी तीनों डांस ने बट जोड़ा बुट्टा कटा दिता गया अपन, यह एक सोंग है। ठीक है, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन भरतनाट्यम। एशियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फैसटिवल द मेदाराम यात्रा इज सैलीब्रेटड बाय विच इंडियन ट्राइब, यानी आपां नूं पुछा गया है एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फैसटिवल है जिसका नाम की है मेदाराम यात्रा। मेदाराम यात्रा जो है यह पूछा गया आपां नूं इंडिया की कौन-कौन ट्राइब है जिसके द्वारा इसनों सैलीब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन तुसीं देख सकते हो, इत्थे चार ऑप्शन आपां नूं दिते गए हैं, कुरुम्बा, कोया, आडियन या फिर हलक्की। यह चार आपां नूं ट्राइब्स दित्तियां गईयां ने, इन्हां दे विच जो ये सब तो पहला तो यह याद रखो जिहड़ा मेदाराम यात्रा फैसटिवल है। ठीक है, यह एक ट्राइबल फैसटिवल है, कित्थे मनाया जाता है, तेलंगाना च मनाया जाता है। ठीक है, काफ़ी बारी तो आपको यही पूछ लेंगे तेलंगाना कितने मनाया जाता है, जब आपको कह देंगे तेलंगाना का फेमस जिहड़ा ट्राइबल फैसटिवल है उसका नाम दसो, तो आपने याद रखना है मेदाराम कितने मनाया जाता है तेलंगाना के। ठीक है, इसनों कौन सी ट्राइब मनाती है, इसनों सैलीब्रेट की करती है कौन, कोया ट्राइब। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन, जिहड़ी कोया ट्राइब है इसके द्वारा सैलीब्रेट किया जाता है एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फैसटिवल जिसका नाम की है मेदाराम यात्रा। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन कोया ट्राइब। यह 10 क्वेश्चन से अपने जिहड़े जीके दे अपने कवर किए, उस तो बाद अपना मैथ के देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सब तो पहला नंबर क्वेश्चन है अपने को 11 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इस विच की पूछा गया अपन, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2014 सो दैट द सम इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5 and 6। यानी आपको पूछा गया है इन्हों के अपन चार ऑप्शन के नंबर अपने ऐड करिए कि जोड़ा यह नंबर बन जाए उस तो बाद। ठीक है, ऐड करन तो बाद यह जो नंबर बनेगा 3, 4, 5, 6 के नाल चंगी तरह एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो आप कह सकते हैं। इस सब तो पहला इन्हों का एलसीएम ले लिया करो, जेडे आप डिविजिबल जेडे ने डिविजिबल बाय जे नंबर दते होंगे ने इन्हों का एलसीएम ले लिया करो सारे का, 3, 4, 5, 6 ये चार नंबर ने अपने को एलसीएम लै लो। सब तो पहला इनका एलसीएम किमें आजगा, 3 से डिवाइड कर सकते हैं 1 आजगा, इतने 4 आजगा, इतने 5 एज इट इज़, इतने कि आजगा अपने को 2, उस बाद 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 आजगा, 2 × 4, 5 एज इट इज़ 1 आजगा इतने। ठीक है, इतने कि आ गया 3 × 6 × 5 × 2 = 10 आ गया, यानी एलसीएम कि आ गया अपने को 60 आ गया। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं जो नंबर बनूगा अगर 3, 4, 5 तो 6 के एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है, तो आपको यह भी पता लग गया जोड़ा नंबर बनूगा वह एग्जैक्टली 60 नाल भी डेफिनेटली डिविजिबल होएगा एग्जैक्टली। तो आप कर सकते हैं इतने 2014 आप 3, 4, 5 तो 6 के डिवाइड करने की बजाय आप 60 नाल डिवाइड करा। ठीक है, जो आप 60 नाल डिवाइड करा, 60 से कट्टा इनू तो किन्ने कट जूगा, यह 6 × 18 यानी 180 कट गया, 180 कट गया अपने को, बाकी कि बच गया 201 अगर 180 कटा दिए तो कि बचूगा अपने को 21 बच गया 21, तो इतने 4 अपने को एज इट इज़ है ही आ।
ठीक है। उस तो बाद 60 नूं आपां फिर आपां डिवाइड करिए 214 ने नाल तां किन्ना बनदा, 6 ते 18 180 फिर डिवाइड हो जूगा, 180 किन्ना बच गया 20 प्लस 14 यानी अपने कोल किन्ना बच गया 34, 34 बच गया। जां तां 34 माइनस कर दो जां फिर आपां 60 नाल फिर डिवाइड करना तां इहदे विच किन्ना नंबर ऐड करिए कि इत्थे 60 बन जाए, तां किन्ना ऐड करना पऊगा, 26 ऐड करना पऊगा, तां अपने कोल जिहड़ा नंबर बन गया उह किन्ना बन गया, 26 बन गया। यानी 26 ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ 2040 ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 60 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ 60 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 26 26। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ पेट्रोल का जिहड़ा प्राइस है पहला 12% इनक्रीज़ हो गया, फिर 12% डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, नैट इफेक्ट पूछा गया अपन, नैट चेंज की होया प्राइस के उपर। ठीक है, यानी जो पेट्रोल का प्राइस है नैट चेंज कितना होया, यानी आप कह सकते हैं 100 तो पहला कितना हो गया, 12% इनक्रीज़ हो गया तो 112 रुपये हो गया। उस तो बाद 12% इतने इनक्रीज़ होया सी तो इतने 12% आप कर देंगे डिक्रीज़ कर देंगे, जब तो इस तरह कर सकते हो जो एक अपने को डायरैक्ट फॉर्मूला होंगे नैट इफेक्ट का। ठीक है, नैट इफेक्ट का फॉर्मूला लिख लो डायरैक्ट। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100, इतने अपने को जिहड़ा जिहड़ा राइज होगा यानी जिहड़ा इनक्रीज़ होगा उसनों आपां ने प्लस दे नाल रिप्रजेंट करना, जिहड़ा डिक्रीज़ होगा कोई भी परसेंटेज तो उत्थे आपां माइनस करना हुंदा है। ठीक है, जिवें इत्थे आपां ने 12% पहला प्राइस आ जिहड़ा इनक्रीज़ करता तां 12 प्लस दा लिख लेंगे। ठीक है, उस तो बाद 12% रेट घट गया तां लिख देंगे आपां -12। ठीक है, इत्थे किन्ना आजूगा अपने कोल प्लस, इतने कि जाएगा अपने को 12 प्लस का आजगा क्योंकि 12% इनक्रीज़ हो रहा है, ये आपने मान लिया इनक्रीज़ वाला। ठीक है, इस तरह 12% डिक्रीज़ वाला है तो कि लिखा इतने -12। ठीक है, बटे कि आजगा अपने को 100 तो इतने 12 के 12 कैंसल हो गया। ठीक है, 12 गुना 12 किया 144 बट माइनस का बन जूगा क्योंकि माइनस है इतने अपने को 144 बटे कि आ गया अपने को 100 माइनस का। ठीक है, डिवाइड करा तो -1.44 आ गया, यानी -1.44% का मतलब की है कि ओवरऑल जिहड़ा प्राइस है वो नैट चेंज कितना हो जाएगा, 1.44% है जिहड़ा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन आंसर कि बन गया अपना बी ऑप्शन बन गया, 1.44% जिहड़ा प्राइस है वह डिक्रीज़ हो जाएगा इस पेट्रोल का प्राइस ओवरऑल। ठीक है, इस आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन, 1.44% डिक्रीज़ आ। एक शॉपकीपर है जिसने 100 शर्ट्स परचेज किया 20 रुपए के हिसाब के नाल। ठीक है, 100 शर्टा खरीदियाँ 20 रुपए के हिसाब के नाल, टोटल किन्ने पैसे इनवैसट करते, 2000 रुपए खर्च करता। ठीक है, उस तो बाद 20 जिहड़ियां शर्ट्स ने डिफेक्टिव निकल गई, खराब निकल गई। ठीक है, बाकी किनिया बच गई, 80 बच गई, यानी डिफेक्टिव भी निकल गई, उन्होंने तो आप बेच नहीं सकते। उस तो बाद जिहड़ा ये परसन है शॉपकीपर, इसने 20% का प्रॉफिट भी करना है, यानी प्रॉफिट किहदे उपर होगा, इहदे उपर जिहड़ा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ही अपना उसके उपर आप 20% प्रॉफिट बनावेंगे, तो 20% कितना हो जाएगा, यह 10% 200 तो 20% 400, यानी ओवरऑल जिहड़ा प्राइस अपना बनना चाहिए कि बनना चाहिए 2400 रुपये, 20% की वैल्यू कितनी अपने को 400 रुपया। ठीक है, प्रॉफिट कितना है 400 रुपया 20%, 2000 के आपने 400 रुपये ऐड करता तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2400 रुपये आ गई। ठीक है, आपको की पूछा गया है, आपको पूछा गया है जिहड़ा यह 80 शर्टा बचिया ने रिमेनिंग शर्ट्स ने जो डिफेक्टिव कढ़न तो बाद किन्ने रुपए के हिसाब के नाल बेचिए कि अपने को जो प्रॉफिट है वह 400 रुपये का हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए, यानी अपने एग्जैक्टली आप कह सकते हैं 2400 रुपये वैल्यू बनानी है, तो इतने वैल्यू कितनी मल्टीप्लाई कर दी आप 30 नाल करनी पेगी, यही आपको पूछा गया प्राइस कितना होगा, प्राइस होगा 30 रुपये प्रति शर्ट। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा सी ऑप्शन, 30 रुपये प्रति शर्ट के हिसाब के नाल जी शर्ट है सेल की जाऊगी, तो जिहड़ा शॉपकीपर है उसनों 20% का प्रॉफिट हो जाएगा ओवरऑल ट्रांजैक्शन के उपर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो की बन जाएगा सी ऑप्शन, 30 रुपये प्रति शर्ट। उस तो बाद नैक्सट देखो, ए रेशो बी की जी वैल्यू है 3:4 है, तो बी रेशो सी की वैल्यू 8:9 है। ए रेशो बी रेशो सी पूछा गया अपन, यानी ए रेशो बी तो बी रेशो सी, तो आपको की पूछा गया है, आपको ओवरऑल पूछा गया है ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू पूछा गया, तो इतने की लिख सकते हैं आप, ए रेशो बी की वैल्यू कि 3:4, तो जिहड़ा बी रेशो सी की वैल्यू कि 8:9 है, तो इतने की कर सकते हैं आप, इन्हें इतने बी की वैल्यू जी 4 है, 8 है, इन्होंने दोनों को बराबर करना पेगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, इन एक कर दो। ठीक है, इतने वैल्यू कि बन जूगी अपने को 3 दुना 6 आजगा, 4 दुना 8 आजगा, 9 एकम 9 आजगा, यानी 6:8:9 अपने को आंसर आजगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू कि आ गई अपने को 6:8:9। ठीक है, इस आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन।
उस तो बाद नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, ए ते बी ने जिहड़े किसी काम नूं 9 दिन ते 12 दिन दे विच कर सकते हैं कंप्लीट, यानी जिहड़ा ए है वह किसी काम नूं 9 दिनां च कर सकदा है, बी है जिहड़ा किसी काम नूं 12 दिनां च कर सकदा है। ठीक है, ओवरऑल अगर आपां काम मन लईए किन्ना मन लईए, इहनां दा एलसीएम देख लो किन्ना जो 36, तां आपां ने काम किन्ना मन लिया अज्यूम कर लिया 36 काम होणगे टोटल। ठीक है, एक दिन दे विच किन्ने काम करदा होगा, अगर 9 दिनां दे विच 36 काम करदा है तां एक दिन दे विच किन्ने काम करदा होगा, 4 काम करदा होगा, अगर यह 36 काम नूं 12 दिनां च करदा तां एक दिन दे विच 3 काम करदा होगा। ठीक है, और ये दोनों मिलकर किन्ने काम करते हैं, 7 काम करते हैं डेली। ठीक है, ये मिलकर काम करते हैं 3 दिनों के लिए, इन्होंने काम किया उस तो बाद ए काम छड़ के चलिया गया, 3 दिनों के लिए ये काम किया इन्होंने, किन्ने काम कंप्लीट हो गए, 21 काम कंप्लीट हो गए, यानी 36 दे विचों 21 काम कंप्लीट हो चुके हैं, 15 काम ने जिहड़े वह बच चुके हैं अपने कोल। ठीक है, 15 काम ने जिहड़े वह बचे ने सिर्फ। ठीक है, आपां नूं पुछा गया है इन हाउ मैनी डेज आफ्टर दैट विल बी कंप्लीट द वर्क अलाउन, यानी जिहड़ा ए है वह काम छड़ के चलिया गया, हूँ जिहड़ा बाकी काम करूगा कौन करूगा, बी करूगा, 15 काम बचे हुए ने ते एक दिन दे विच किन्ने काम कर सकदा, 3 काम कर सकदा, बटे कर देंगे 3 तो इतने वैल्यू नहीं आ जूगी अपने को 5 दिन, यानी जिहड़ा बचा हुआ काम है वह किन्ने दिन च कर दूगा, बी कर दूगा 5 दिन च। यही पूछा कि आपां नूं क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन का अपना, 5 डेज 5 दिन दे विच कल्ला कंप्लीट कर दूगा जिहड़ा बचा हुआ काम है। ठीक है, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 5 दिन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन के आप गया है जो एवरेज रेनफॉल है मंथली वो आप दिती गई है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च के अप्रैल की। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आप दिती गई है फरवरी मार्च अप्रैल मई की। ठीक है, आपू मई की दिती गई है कि 20 सेंटीमीटर होंगी है। ठीक है, यानी आप कर सकते हैं एवरेज न किमें कर सकते हैं। ठीक है, इतने अपने को जनवरी फरवरी मार्च तो अप्रैल इन्हां दी 4 महीने ने टोटल 4 मंथ्स ने। ठीक है, इन्हां दी एवरेज आपां नूं किन्नी दित्ती है 22 दित्ती है। अगर इन्हां दा आपां सम कढ़ना होवे तां किवें कढ़ांगे, जिन्ने महीनिआं दी उन्ने नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 गुणा 4 कीता तां वैल्यू किन्नी आ गई अपने कोल 88 सेंटीमीटर आ गई, यानी जनवरी फरवरी मार्च ते अप्रैल दे विच जिहड़ी रेनफॉल हुंदी है उह किन्नी हुंदी है 88 सेंटीमीटर हुंदी है। ठीक है, उस तो बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई, फरवरी मार्च अप्रैल ते मई इह वी 4 महीने हो गए टोटल, इन्हां दी एवरेज किन्नी बनी है 24 है 24 है, तो की कर सकते हैं आप 24 गुणा 4 करांगे तो वैल्यू किन्नी आ जाएगी अपने को 96 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर। इस दे विच जिहड़ी मई की रेनफॉल है मंथली वह किन्नी दित्ती है आपां नूं 20 दित्ती है, तो की कर सकते हैं आपां इहनूं माइनस कर देंगे। ठीक है, अपने को वैल्यू कदी बचूगी फरवरी मार्च ते अप्रैल की वैल्यू बचूगी किन्नी बचूगी 96 दे विचों 20 माइनस किया तो 76 आ गया। ठीक है, इत्थे आपां नूं की पुछा गया जनवरी की पुछा गया। ठीक है, इत्थे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की किन्नी है 88 है। ठीक है, ये फरवरी मार्च के अप्रैल की किन्नी है 76 है 76 है, तो की करांगे आपां जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के जो 88 दिती है आपां नूं इस दे विचों आपां माइनस कर देंगे ये वाली फरवरी मार्च के अप्रैल वाली, यानी 88 दे विचों माइनस कर देंगे 76 तो वैल्यू किन्नी आ गई अपने को 12, यानी जिहड़ी जनवरी की रेनफॉल है वह किन्नी हो जाएगी, वह हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। यही पूछा गया आपां किन्नी हो जाएगी, यह हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना डी ऑप्शन 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। आई होप तुहानू 6 दे 6 क्वेश्चन जिहड़े ने मैथ दे बिल्कुल क्लीयर होए होणगे। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट देखते हैं आपां पंजाबी दे क्वेश्चनस। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन दे विच आपां नूं पुछा गया है हेठ लिखे विकल्पां विचों शुद्ध शब्द चुनो, इन्हां दे विचों जिहड़ा शुद्ध शब्द है वह चुनना है आपां ने इन्हां विकल्पां दे विचों, सिरहाना सिरहाना सराहना जां फिर सराहना। ठीक है, ये आपां नूं दित्ते गए ने 4 ऑप्शन, इस दे विचों जो सही आपां नूं ऑप्शन दिता गया है शुद्ध शब्द वाला वह दिता गया है बी ऑप्शन दे विच सिरहाना। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो की बन जाएगा सिरहाना। ठीक है, सस्सा सस्से नू सिहारी रारा हाहे नू कन्ना नाने नू कन्ना एक ही बन गया अपने को सिरहाना। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन सिरहाना, इस जिहड़े स्पैलिंग ने बिल्कुल सही ने, इस आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो 18 नंबर क्वेश्चन, हेठ लिखिया विचों केड़ी पड़नाव पड़नाव की किस्म नहीं है। ठीक है, आपां नूं पुछा गया है इन्हां दे विचों पड़नाव की किस्म केड़ी नहीं है। सब तो पहला आपां ने याद रखना है पड़नाव दीआं किन्नीआं किस्मां आउंदीआं ने, पड़नाव दीआं किस्मां आउंदीआं ने 6 किस्मां। ठीक है, पड़नाव दीआं किन्नीआं किस्मां आउंदीआं ने, 6 किस्मां आउंदीआं ने पड़नाव दीआं। ठीक है, किहड़ियां किहड़ियां हुंदीआं ने, सब तो पहला इत्थे नोट कर लैंदे आपां किहड़ियां किहड़ियां हुंदीआं ने, पुरखवाचक 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 तो बाद हुंदी है इक निजवाचक निजवाचक हुंदी है, ते उस तो बाद हुंदी है संबंधवाचक संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक तो बाद प्रश्नवाचक 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 तो बाद होंगी निश्चयवाचक निश्चयवाचक।
ठीक है, एक होंगी अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है। यह अपने को पड़नाव ने सारे, पड़नाव छे प्रकार का होंगे, ठीक है, पड़नाव छे प्रकार का होंगे, किहड़े किहड़े, पुरखवाचक पड़नाव, निजवाचक पड़नाव, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक पड़नाव, यह छे प्रकार का पड़नाव होंगे, ठीक है। ये अगर आप देखिए निजवाचक भी होंगे, ठीक है, संख्यावाचक नहीं होंगे। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपने को बी ऑप्शन, निश्चयवाचक भी होंगे तो प्रश्नवाचक भी होंगे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना की बन जाएगा, संख्यावाचक पड़नाव नाम का कोई पड़नाव है जो नहीं होंगे, इस करके आंसर बनेगा बी ऑप्शन। मोहन तेज तेज चलता है, वाक विचले क्रिया विशेषण की किस्म कि है? इस दे विच जो अंडरलाइन किया गया वो तेज तेज नूं अंडरलाइन किया गया, आपां इसकी जिहड़ी किस्म है क्रिया विशेषण की वो पूछा गया। तेज तेज इत्थे ऑप्शन तुसीं देख सकते हो, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, इत्थे है परिमाणवाचक विशेषण, तो इत्थे प्रकारवाचक विशेषण, ठीक है, इत्थे सारे विशेषण ने गलती नाल टाइप हो गए, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, प्रकारवाचक विशेषण, तो निर्णयवाचक विशेषण, ये अपन जी विशेषण की किस्म है वो पूछा गया है। अगर आप देखिए किस तरह दौड़ता है वो, तेज तेज, तेज तेज किसान रिप्रजेंट कर रहा है, प्रकारवाचक, यानी वह काम है जो किस तरह परफॉर्म कर रहा है उसनों की बोलते हैं आप प्रकारवाचक बोलते हैं, इस करके आंसर की बन जूगा अपना प्रकारवाचक, यानी वह काम है जो किस तरह परफॉर्म कर रहा है प्रकारवाचक उसनों कहने आप, इस करके आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, प्रकारवाचक विशेषण। उस तो बाद नैक्सट देखो 20th नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस फस्ट मॉक टैसट का, ठीक है। शेर नूं गरजदा देख के सारे गिद्दड़ दौड़ गए, वाक की किस्म कि है? शेर नूं गरजदा देख के सारे गिद्दड़ दौड़ गए। अगर आप देखिए संयुक्त वाक, ठीक है, संयुक्त वाक का इस दे विच अपना जिहड़ा जिहड़ा यह दो उपवाक ने जिहड़े मिलकर बनते हैं संयुक्त वाक बोलते हैं, ये कोई भी उपवाक नहीं है, तो ही नहीं आंसर हो सकता, साधारण वाक भी नहीं हो सकता यह, ठीक है। यह एक वाक किहड़ा है, यह एक मिश्रित वाक है, ठीक है। शेर नूं गरजदा देख के सारे गिद्दड़ दौड़ गए, यह किहड़ा वाक है? मिश्रित वाक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो की बन जाएगा? मिश्रित वाक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन, मिश्रित वाक। सो यह सी अपना फस्ट मॉक टेस्ट जिस आपने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, कमेंट बॉक्स में तो लिख के जरूर दसना कि तुमने किन्ने क्वेश्चन ने जो सही अटैम्प्ट किए हैं फस्ट मॉक टेस्ट के, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे ने, ठीक है। यह जो पेपर है प्लस टू लैवल का है, ठीक है, 12th लैवल का पेपर है, इस करके आपने उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन जोड़ा है फ्रेम किया है इस मॉक टेस्ट के, ठीक है। इस तो अलावा तुहानू पता है पीटर प्लस बी दे विच जिहड़ा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है जिहड़ा वह जिहड़ा है अनाउंस हो चुका है, तुहाडा जिहड़ा पेपर है हुण यह 13 नवंबर नूं होण जा रहा है, ठीक है। पीटर प्लस बी यह जिहड़ा पेपर है ऑफलाइन कंडक्ट करेगा, ठीक है। अज 21 अक्तूबर है, ठीक है, अपने कोल सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे ने। साढ़े द्वारा एक स्पैशल जिहड़ा गैस्ट पेपर है वह तैयार किया गया है, जिस दे विच अपना जिहड़ा कॉन्टेंट है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, स्पैशली डेडिकेटड टू फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, ठीक है। आपको पता जो है एग्जाम है 12th लैवल का एग्जाम है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपने ये जो क्वेश्चन ने उन्होंने फ्रेम किया, ठीक है। इस दे विच तुहाडे कोल सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे ने, अगर आप पूरा जो कॉन्टेंट है उसनों कवर करने की गल करिए करना पॉसीबल नहीं है, आप सारा जो कॉन्टेंट है जिन्ना भी सिलेबस होंगे अपने पेपर का उसनों आप जो है चंगी तरह कवर हुण नहीं कर सकते। हुण तुसीं एक काम कर सकते हो, तुसीं इस दे विच जिहड़े 5000 क्वेश्चन ने उन्होंने कवर कर सकते हो, 5000 अप्रोक्सीमेटली जिहड़े क्वेश्चन ने इस गैस पेपर के तुहानू मिलणगे वह तुसीं कवर कर सकते हो। यह जिहड़ा गैस पेपर है तुहानू पीडीएफ फॉरमैट के मिलेगा, ठीक है। और यह जिहड़ा लैंग्एज है जिहड़ी इस दे विच उह कीड़ी है, इंग्लिश लैंग्एज है, पंजाबी हिंदी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्एज है। इंग्लिश लैंग्एज है जिहड़ी बिल्कुल बेसिक आपां ने यूज़ की है, हर एक बच्चा जिहड़ा ईजीली अंडरसटैंड कर सकता है हर एक क्वेश्चन नूं, ठीक है। इस दे विच याद रखना है आपने सब तो पहला इंडियन जीके के 1500 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन तुसी अपने एग्जाम दे विच डायरेक्ट देखोगे। पहला भी साडा रिकॉर्ड रहा है कि हर एक पेपर दे विच बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलते हैं साडे गैस पेपर दे विचों, साडे नोट्सां दे विचों, इस करके इस दे विच भी पूरा दावा है कि तुहाडे पेपर दे विच डायरेक्ट इस दे विचों काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ठीक है। उस तो बाद 1500 तो बाद जिहड़े कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे 500 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उस तो बाद पंजाब जीके के 500 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर का जो पोर्शन है अलग आना पेपर के, इस करके अपने 500 क्वेश्चन जो अलग जोड़े ने इस एड करते इस गैस पेपर के। उस तो बाद करंट अफेयर के 1200 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 250 क्वेश्चन, मैथ के 250 क्वेश्चन, पंजाबी व्याकरण के 300 क्वेश्चन, तो इंग्लिश ग्रामर के 250 क्वेश्चन। अगर इन्हों मिला दी आप अपने को 4750 क्वेश्चन जोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं, ठीक है। वैसे 4750 तो ज़्यादा होंगे, अप्रोक्सीमेटली 5000 क्वेश्चन तुहानू जिहड़े ने ओह इहदे विच मिलणगे इस गैस पेपर दे विच, ठीक है। इह जिहड़े क्वेश्चन ने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होणगे, ठीक है।
जिहड़ा है इस पेपर की अगर वधिया ढंग नाल तैयारी करना चाहते हो और इस पेपर नूं क्लीयर करना चाहते हो ठीक है तो तुसीं इस गैस पेपर नूं परचेज कर सकते हो ठीक है। इस दे विच सब तो इंपोर्टेंट गल की है इस दे विच जिहड़े 1200 क्वेश्चन ने करंट अफेयर के रीजनिंग के क्वेश्चन ने 250 ते मैथ के क्वेश्चन ने 250 ठीक है। यानी आप कह सकते हैं जिहड़ा मैथ रीजनिंग ते करंट अफेयर का जिहड़ा सैक्शन है इन्हां दे नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस गैस पेपर के नाल आपां प्रोवाइड करांगे ठीक है। इस गैस पेपर के विच तुहानूं इह तीनों सैक्शन है जिहड़े जिस दे विच करंट अफेयर हो गए रीजनिंग होगी तो क्वांट हो गया इन्हां दे नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाऊगी इस गैस पेपर के विच ठीक है। यह सारा कॉन्टेंट है जिहड़ा इह तुहानूं प्रोवाइड किया जाऊगा इस गैस पेपर के विच 5000 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन तुहानूं देखने को मिलेंगे इस गैस पेपर के विच ठीक है। तुसीं स्क्रीनशॉट लै सकते हो कि किस सब्जेक्ट के किन्ने किन्ने क्वेश्चन होंगे वह इत्थे मैंशन किए गए हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्टेंट होगा इस दे बारे कोई डाउट नहीं हैगा ठीक है। यह जो गैस पेपर है तो पीडीएफ फॉरमेट के मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेगा बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आपने यूज़ की इस गैस पेपर के ठीक है। हुण आपां गल करते हैं किवें परचेज कर सकते हो किन्ने चार्जस ने इस गैस पेपर के इस गैस पेपर के जिहड़े चार्जस ने कि 1000 रुपए ने बट इस दे विच जिहड़े पहले 200 बच्चे ने 200 स्टूडेंट्स जिहड़े पहले 200 स्टूडेंट्स ने 200 स्टूडेंट्स उन्होंने 50% का जिहड़ा डिस्काउंट है वह दिता जाऊगा यानी 500 रुपए का डिस्काउंट तुहानू जिहड़ा है गैस पेपर है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के विच जिहड़ा है प्रोवाइड किया जाऊगा। यह याद रखना है सिर्फ और सिर्फ पहले 200 स्टूडेंट होणगे जिहड़े फॉरेस्ट गार्ड दे ठीक है उन्होंने ही जिहड़ा है डिस्काउंट 500 रुपए का प्रोवाइड किया जाऊगा ठीक है। पेमेंट किवें करोगे तुसीं पेमेंट तुसीं गूगल पे कर सकते हो फोन पे कर सकते हो पेटीएम कर सकते हो इस नंबर के उपर यह नंबर है इसनों नोट कर लो सेव कर लो अपने फोन के ठीक है 7009868826 इस नंबर के उपर तुहाने 500 रुपीज़ पे करने ने गूगल पे फोन पे पेटीएम कुछ भी कर सकते हो ठीक है। उस तो बाद इस नंबर वट्सएप के उपर जी पेमेंट का स्क्रीनशॉट है और यह सेंड कर देना है नाल तुहाने भी मैनशन करना है फॉरैसट गार्ड गैस पेपर फॉरैसट गार्ड गैस पेपर ठीक है। फॉरैसट गार्ड गैस पेपर है जिहड़ा मैनशन कर देना तुहाने ठीक है। साडी तरफ तो 1 घंटे के जिहड़ा गैस पेपर है तुहानू पीडीएफ फॉरमेट के शेयर कर दिता जाऊगा तुहाडे सेम वट्सएप नंबर के उपर ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट गूगल पे फोनपे पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करता तो वह स्टूडेंट बैंक के भी ट्रांजैक्शन करके जो अपनी रिसिप्ट वगैरह सेंड कर सकता है तो भी असं 1 घंटे के जिहड़ा है गैस पेपर सेंड कर देवे यह जो फॉरैसट गार्ड के लिए आपने स्पैशल प्रिपेयर किया तैयार किया ठीक है। याद रखना है ये 200 बच्चों के लिए ही 500 रुपया डिस्काउंट होगा जो 200 बच्चे पूरे हो गए उस तो बाद तुहानू इनफॉर्म कर दिया जाऊगा उस तो बाद जो नवे चार्जस होणगे वो बाद विच डिसाइड करांगे आपां पहलां 200 बच्चों को जिहड़ा डिस्काउंट है वो 500 रुपया दे रहे हैं आपां 500 रुपए के विच तुहानू बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जिहड़ा कॉन्टेंट है ठीक है वो तुहानू प्रोवाइड कर रहे हैं आपां इस गैस पेपर के विच। तुसीं स्क्रीनशॉट लै सकते हो किस सब्जेक्ट के किन्ने किन्ने क्वेश्चंस होणगे किस दीआं वीडियोज़ मिलणगीआं सारा कुछ इत्थे तुहानू मैं क्लीयर करता यह कॉन्टेंट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा ठीक है। इसनों कवर करके जरूर जाओ कितों भी तैयारी की है किसी भी इंस्टीट्यूट तो किसी भी अकैडमी तो या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन कितों भी तैयारी की है तुम ये जो 5000 क्वेश्चन ने इन्हों प्रैक्टिस करके जरूर जाओ बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी तुम्हें एग्जाम के ठीक है। अगर कोई डाउट है इस चीज़ के रिलेटड किसी भी चीज़ के रिलेटड गैस पेपर के रिलेटड या नोट्स के रिलेटड या किसी भी चीज़ के रिलेटड कोई डाउट है तो तुम इस नंबर वट्सएप के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो ठीक है 7009868826 ठीक है जी। सो यह अपना फस्ट मॉक टैसट जिस आपने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं विद एक्सट्रा इनफॉर्मेशन ठीक है। इस फ्री मॉक टैसट सीरीज़ में ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के नाल शेयर करो ता कि जो बच्चे फॉरैसट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तक यह सीरीज़ पहुँच सके। इस फस्ट मॉक टैसट दे नंबर दे विच बस इन्ना ही मिलते हैं आपां फ्री मॉक टैसट सीरीज़ के सैट नंबर 2 के ठीक है। सो थैंक यू सो मच।